जम्मू कश्मीर के आतंकी हमले में उत्तराखंड के सपूतों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए हैं। बता दें कि शहीद जवानों में से एक जवान डोईवाला के भनियावाला का निवासी है। बता दें कि डोईवाला के जवान विनोद के शहीद होने की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। वहीं जानकारी के अनुसार शहीद विनोद 3 महीने पहले बेटी के जन्म के समय घर पर वापस आया था। वहीं उनके परिजन को बेटे की शहादत पर गर्व है कि उसने अपने धर्म को निभाया और उससे बिछड़ने की पीड़ा भी है जो चेहरे पर बात करते करते सामने निकल आती है। वहीं डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। जो घटना हुई उसके लिए तो जितना भी दुख करें कम है, क्योंकि ये जो बालक है ये मेरा भतीजा है गांव के रिश्ते से। इसका नाम विनोद सिंह भंडारी था और जब हमें कल एक सूचना मिली तब से पूरा घर और हम भी इस स्थिति में नहीं कि बोल पाए। वैसे फक्र तो यह है कि भारत माँ की सेवा में उसका बलिदान हुआ है और इसकी जो पृष्ठभूमि है, इसके जो पापा वीर सिंह जी हैं, उनके चाचा जो सुरवीर सिंह जी हैं, ये भी आर्मी से रिटायरमेंट लोग हैं और इनका जो पुराना गाँव है ये खास पट्टी में पड़ता है ग्राम चौन, तो यहाँ से 7-8 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। और अभी विनोद तीन महीने पहले छुट्टी आया था, तब उसकी एक लड़की भी थी। वो लड़की आज 3 महीने की, लड़का उसको 4 साल का। और ये घटना एक अपने आप में क्या पूरे एक बार बोलने में लग रहा है कि हमें फक्र भी है, पर जो अपने दिल में से जो है वो हम बयान नहीं कर सकते।